नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस पावर बीआई की क्लासेस में। तो मैं बात कर रहा हूँ इस तरह का स्पीडोमीटर बनाने का। जी हाँ, इस तरह का स्पीडोमीटर पावर बीआई बनाने का। देखिए, डिफॉल्ट आप ये बना सकते हैं, इसको लोग गट चार्ट कहते हैं। ये रहा यहाँ पे, आप कैसे बनाएंगे? सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे, पोजिशन सेट करेंगे और यहाँ पे आप जो जिस फील्ड को शो करना चाहते हैं उस फील्ड को रख देंगे, यहाँ आपका शो हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि नहीं, मुझे गट चार्ट में इस तरह का स्पीडोमीटर बनाना है। तो स्पीडोमीटर हम कैसे बनाएंगे, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको अपने नंबर पे मोबाइल में सेव कीजिएगा। साथ में अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई बेसिक टू एडवांस, तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं मेरी लाइव क्लासेस में, जो कि 3 जनवरी से शुरू हो रही है रात को 8 से 9 बजे। एक ग्रुप क्लास है जो कि 10 बार लोगों की स्मॉल बैच साइज में होता है, बाकी ट्रेनर के लिए नहीं। जैसे कि 200, 400, 1000, 1500 लोगों के साथ में पढ़ाता हूँ, 8-10 लोग ही बैच में होते हैं, जिसका ड्यूरेशन तकरीबन 1 घंटे होती है। कोर्स का ड्यूरेशन 35 आवर्स है और इसकी फीस जस्ट आपको 1500 पड़ेगा। इसमें कंप्लीट पावर बीआई डैशबोर्ड विद डैशफैक्शन विद पावर क्यूरी डेटा विजुलाइजेशन हर एक चीज कवर करते हैं। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आते हैं टॉपिक पे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे आपको टेक्नोमीटर करके एक विजुलाइजेशन चाहिए होगा, डिफॉल्ट नहीं होता है। इसके लिए आपको जाना होगा गेट मोर विजुअल में और यहां से आप सर्च भी कर लीजिए टेक्नोमीटर, या फिर ये आपको दिख जाएगा। सर यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा, दिख जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड होगा, लोड होने के बाद उसको ऐड कर लीजिए, यहां से ऐड कर लीजिए। ऐड होने के बाद आप जब देखेंगे यहाँ पे तो ये आपके सामने नीचे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसको क्लिक किया और यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पे रखने के साथ मैं इसकी क्वांटिटी को रखता हूँ वैल्यू वाले फील्ड में, बट इसमें आता है स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, टारगेट वैल्यू, रेंज, रेंज टू स्टार्ट वैल्यू, रेंज थ्री स्टार्ट, इस तरह चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो स्टार्ट वैल्यू जाहिर सी बात है हमारा 0 से होना चाहिए, बट एंड वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम टू। तो इसके लिए हम मेजर्स बनाते हैं, न्यू मेजर्स यहां पे एंड वैल्यू। अब इसके अंदर हम करते हैं सम, सम के अंदर में हम करते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, ये 100 कर दीजिए, तो ये हमारा एंड वैल्यू। अब इस एंड वैल्यू को उठाऊंगा मैं और डाल देंगे यहाँ पे एंड वैल्यू में। स्टार्ट वैल्यू तो है ही यहाँ, लेकिन काफी ज्यादा हुआ। अब इसको इतना नहीं करते, 10 करते हैं, तो 10 बचा जाएगा, 10 भी नहीं 2 कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, या डबल से भी हम 3 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बेटर दिख रहा है। अब आती है टारगेट वैल्यू। अब टारगेट वैल्यू में यह है कि जितना काउंट है, एक मतलब कि हमारा ये है कि भाई कम से कम जो है मेरा जो टारगेट है वो 10 पीस होना चाहिए एक ऑर्डर में, 10 पीस का टारगेट होता है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू मेजर्स में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टारगेट, टारगेट में यहाँ देते हैं सम, सम के अंदर में सब नहीं काउंट करते से रहेगा, काउंट काउंट ए, और काउंट ए में कोई एक ले लीजिए, जैसे मैं मंथ को ही काउंट कर लेता हूँ, कोई भी एक, पहले कोई ब्लैंक तो है नहीं, मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पे कर दिया 10, ये हमारा टारगेट हो गया। अब इस टारगेट को मैं यहाँ टारगेट वैल्यू में डाल देंगे, ये बताएगा कि यहाँ पे टारगेट हो गया। अब आता है रेंज, स्टार्ट वैल्यू, टू वैल्यू, थ्री वैल्यू। अब ये चीजें जैसे कि मीटर होता है ना, वो मीटर लगा सकते हैं, मतलब 2000 का मीटर माइलेज लगाना चाहते हैं तो न्यू बेजर्स में यहाँ पे M2
और यहाँ पे 2000 हम कर देते हैं, और यहाँ पे M2 को लेते हैं और स्टार्ट टू वैल्यू में डाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से ग्रीन आ गया। उसी तरह से यहाँ पे एक और मेजर्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं 5000, M3 5000 है, M3 5000, और इस M3 को हम रख देते हैं अपना 5000 के अंदर। ये आपका 5000 येलो आ गया। अब मान लीजिए मुझे इसमें M3 है, हाँ, अब इसकी कलर वगैरह भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आके कि रेंज 1 का कलर नहीं, कुछ रेंज नहीं, रेंज 2 का कलर क्या होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे बोला कि ये रेड होना चाहिए, रेड नहीं, इस पे हम इस तरह का सेट इस तरह से रेंज 1 का कलर आना चाहिए, हमने बोला रेड। और ये जो रेंज 3 है, क्योंकि तो रेंज 3 मतलब कि उन्होंने अच्छा किया है, वो ग्रीन कर देते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया। तो इस तरह की चीजें आप बना सकते हैं। कंप्लीट पावर बीआई बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस को। तो फटाफट स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर जाइए, अपना सीट को बुक कीजिए। थैंक यू।